हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित। आज हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सभी डायग्राम्स को देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में हम डायग्राम्स को मेमोराइज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं हर चैप्टर्स के डायग्राम्स को अपलोड करूंगा, जिससे आप देख करके पूरे डायग्राम्स को याद कर सकते हैं। अगर आपको एनसीईआरटी के क्लास 11 ट्वेल्थ बायो के सभी डायग्राम्स के चैप्टर्स वाइज चाहिए वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो स्टार्ट करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के सभी डायग्राम्स को देखना। आरबीसी अगर एग्ज़ाम में आता है आप इसको पहचान जाएंगे। उसके बाद हम लोग डब्ल्यूबीसी, जो कि एमोबॉइड शेप का होता है, इसमें काफ़ी टाइप्स होते हैं, जो कि मैं सेलुलर चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में, उसको भी आप लोग वहां पे देखेंगे ध्यान से हम लोग। फिर यह न्यूरॉन का डायग्राम है, नर्वस सेल का डायग्राम है, और यह कॉलमनर एपिथेलियल सेल है, जो कि हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू में। उसके बाद ट्रैकिड्स है, मेसोफाइल सेल है, ये सब जो डायग्राम है वो अलग अलग चैप्टर में आते रहेंगे। सो हम लोग उसके बाद दूसरा इमेज देखते हैं। यह इमेज यूकैरियोट सेल्स का है, जिसके अंदर जिसके कंपोनेंट होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। अभी 3D में डायग्राम भी आएगा, एनसीईआरटी में अपलोडेड है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का है, यहाँ पे माइक्रोप्लाज्म का साइज़ दिया हुआ है, फिर वायरस का साइज़ दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम तो वैसे नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग रीडिंग लगा लीजिएगा इसका भी। अगला डायग्राम 3D में प्लांट सेल का डायग्राम है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वैक्यूल्स, जो कि 90% पार्ट सेल का कवर करता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। वैक्यूल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि प्लांट का 90% पार्ट कवर करता है वैक्यूल्स। उसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट में होते ही हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट हों, फिर लाइसोसोम्स होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे दी हैं। एक बार आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। पिक्चर्स काफ़ी हार्ड नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। एम्स एग्जाम में काफ़ी इसका डिमांड रहता है डायग्राम्स का, सो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपको लास्ट टाइम एग्जाम में आपके सर पर बर्डन ना आए कि मैंने अभी डायग्राम को रिवाइज़ नहीं किया है या डायग्राम को एक बार देखा नहीं है। तो वीडियो रहेंगे तो आप आसानी से 5 मिनट में 6 मिनट में पूरे चैप्टर के डायग्राम्स को एक्सप्लेनेशन के साथ खत्म कर सकते हैं। प्लाज्मा डेंसमेटा क्या होता है? जो सेल टू सेल कनेक्शन प्रोवाइड करता है मटेरियल को पास करने के लिए, उसमें प्लाज्मा डेंसमेटा बोलते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स है, पेरोक्सीजोम है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, वैक्यूल्स, मिडल लेमिला, जो दो सेल को जोड़ते हैं आपस में, मिडल लेमिला बोलते हैं, मैग्नीशियम का रोल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, सब चीज़ें यहाँ पे डायग्राम्स में दी गई हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सभी डायग्राम्स को क्लियरली रीड कर लीजिए। उसके बाद एनिमल सेल्स का डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें माइक्रोविलाई को दिया हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया हुआ है, सेंट्रियोल दिया है, पेरोक्सीज़ोम दिया हुआ है। इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका, इतने बड़े डायग्राम्स हैं, तो कृपया आप उस वीडियो को पॉज कीजिए, वहाँ पे अच्छे से सभी का लेबलिंग को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि लेबलिंग एग्जाम में पूछ सकता है। हमने देखा है एम्स एग्जाम में 2018 या 2019 के ट्रेंड में काफ़ी एग्जाम डायग्राम बेस्ट आ रहे हैं, और नीट में भी काफ़ी इसका डिमांड है। तो प्लीज़ आप लोग डायग्राम को मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट डायग्राम को छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ अगर आप डायग्राम्स को नहीं छोड़ेंगे तो आपके 10-5 मार्क्स ऐसे ही इंप्रूव हो जाएंगे। सिलेक्शन के लिए छोटे छोटे पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी होता है, सो प्लीज डायग्राम को मत छोड़िएगा, सभी डायग्राम्स को देखते चलिए। उसके बाद यह डायग्राम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो लिपिड की लेयर होती हैं और एक प्रोटीन होता है, या ये फ्लोटिंग हो सकता है या तो इंटीग्रेटेड हो सकता है, फ्लोटिंग इंटीग्रल भी हो सकता है और फ्लोटेड भी हो सकता है, और इसमें शुगर भी होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं, जो कि डायग्राम में दिखाया गया है। ऊपर वाले लेयर दोनों लिपिड लेयर हैं, और बीच में यहाँ पे देखिए प्रोटीन, जो कि यहाँ पे चैनल की तरह काम करेगा मटेरियल को पास करने के लिए, और बाहरी प्रोटीन भी है, और उसके प्रोटीन के ऊपर ग्लाइकोशुगर, कुछ ये सब शुगर भी जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी अंदर रहता है। तो डायग्राम को आप लोग इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी का डायग्राम है। गॉल्जी बॉडी में आपको क्रिस्टर नहीं देखने को मिलेगा, और क्रिस्टा आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, जो कि अभी हम देखेंगे। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट हो, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह होता है जहाँ पर राइबोसोम प्रेजेंट न हो। तो उसके बाद न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सब डायग्राम आप देख लीजिए।
माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर होती हैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को, जो आउटर लेयर और इनर लेयर के बीच में गैप होता है, उसको ही हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और फोल्डिंग को क्रिस्टा बोलते हैं। ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा माइटोकॉन्ड्रिया का। सॉरी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन इसमें भी होता है, इसमें ग्रेनम और थैलेकॉइड होता है। तो ग्रेनम थैलेकॉइड को पहले हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ग्रेनम वह होता है, जैसे ग्रेनम और थैलेकॉइड, थैलेकॉइड एक होता है जो कॉइन की तरह होता है, समझ लीजिए, और कई कॉइन को रखने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है सिलेंड्रिकल शेप का, उसको ग्रेनम बोलते हैं। तो आप डायग्राम में ऐसे समझ सकते हैं। इसे देखिए, एक लेयर को थैलेकॉइड दिखाया गया और पूरे सिलेंड्रिकल शेप को ग्रेनम दिखाया गया। और जब जो स्ट्रक्चर दो ग्रेनम को ज्वाइन करता है उसको हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है। तो स्ट्रोमा लैमेली ज्वाइन करता है उसको स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, और ऊपर एक लेयर को थैलेकॉइड बोलते हैं, और उसके बंडल को ग्रेनम बोलते हैं। उसके बाद आपको डायग्राम दिखाई देगा सिलिया के और फ्लैगेला के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम दिखाई देगा। ये डायग्राम को दिखाई दे रहा है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स, इंटरनल डबल ब्रिज, सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स, रेडियल स्पोक एंड सेंट्रल शीथ। मैं इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं दे रहा हूँ, केवल डायग्राम दिखा के आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैंने लास्ट टाइम में डायग्राम को रिवाइज नहीं किया। मैं शुरू से डायग्राम को प्रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूँ, केवल थ्योरी को ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा आपको फील ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो इसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, एक्सप्रेशन थ्योरी के लिए आप अदर वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद यह डायग्राम न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें यह वाला पार्ट न्यूक्लियस है और जो स्पेस है यह प्लाज्मा है और यह मेम्ब्रेन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा न्यूक्लियस का या न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, और जो इसमें पोर होते हैं उसको न्यूक्लियस पोर कहते हैं। उसके बाद यह स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का है। क्रोमोसोम क्रोमेटिड से बने होते हैं, क्रोमेटिड एक ही हो या दो हो उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। जैसे यह हमारा क्रोमेटिड हो गया और यह हमारा दो क्रोमेटिड हो गए, अगर दोनों ज्वाइन है तब भी क्रोमोसोम है, और सिंपल एक क्रोमेटिड है तब भी क्रोमोसोम है। और इसके ऊपर एक डिस्क लगा हुआ होता है जिसको हम लोग काइनेटिक कोर बोलते हैं, और यहाँ से स्पाइनल फाइबर जुड़ा हुआ होता है। आई होप आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा डायग्राम। उसके बाद हम लोग क्रोमोसोम के शेप के बेसिस पर अलग अलग